इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बैरिंग्स के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में, कौन से मोटर में कौन सा बैरिंग लगता है, कौन सा बैरिंग कहाँ यूज़ किया जाता है, कैसे बैरिंगों की पहचान की जाए और कौन सा बैरिंग कौन सी कंपनी के बेस्ट बैरिंग होते हैं ताकि हमारे साथ फ्रॉड ना हो, और कैसे बैरिंग की ओरिजिनलिटी चेक करनी है कि वो ओरिजिनल है, लोकल है, कॉपी है, क्या है, ये सब, कितने टाइप्स के बैरिंग होते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बॉल बैरिंग से, जो बॉल का मतलब समझते हो ना, राउंड गोली। तो ये जो इस टाइप की बैरिंग होते हैं जिसमें आपको अंदर गोल सर्कुलर सर्कल में गोली दिखे, जो गोल होता है उसे बोलते हैं बॉल बैरिंग्स। मीन एक बॉल होती है, एक कप और एक अंदर के उसके बीच में बोर के बीच में, ये उसका कप होता है, ये अंदर का शाफ्ट का बोर होता है जहाँ पे आपकी शाफ्ट कोई भी एंगल जहाँ पे भी ये लगता है ठोकता है। तो इस टाइप की जो बैरिंग होते हैं जिसमें बॉल्स होती है अंदर, देखो ये गोल गोल बॉल्स दिख रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब में अलग अलग बैरिंग के अकॉर्डिंग सब में अलग अलग होती है। जैसे ये फिलहाल हमारे पास जो बैरिंग है ये बॉल बैरिंग है और ये साइज है हमारा 63/7 यानी कि 6307। सो बैरिंग स्टार्ट होते हैं आपके 6000 से, जैसा कि आपका होता है बैरिंग 6001, 6009, 608, 629, 62, 61, 62, 63, 62, 63, 64, 65, ऐसे 62 की मेनली जो हमारे यूज़ किया जाता है घरों में, फील्ड में, कहीं भी, वो 62, 62, 62, 63, 65, 63, 62, 66, 62, 66, 62, 68, 62, 69, 63, 69, 63, 11, 63, 10 ये यूज़ किए जाते हैं। अब ये बैरिंग होते हैं आपके बॉल्स बैरिंग, डिफरेंस वो सब बाद में बताऊंगा कैसे ओरिजिनल की पहचान होती है। ये होता है आपकी स्ट्रेट बैरिंग जो होते हैं आपके, लंबे होते हैं थोड़ी, इसमें क्या होता है कप आपका फिक्स होता है बॉल में, लेकिन इसमें कप अलग से लगाया जाता है। ये जो लंबी गोली की बैरिंग होती है ना, लंबी गोली बोल सकते हो आप इनको, तो इनमें क्या होता है आपका जो कप होता है वो अलग से लगाया जाता है, जिसमें ऐसे जो कप होता है वो उनका बिल्कुल इधर से आपका स्लाइटली होगा, ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट होगा, तो वो सेम एज इस कप की तरह रिएक्ट करेगा, वो इसकी तरह टेढ़ा नहीं होगा जैसे ये देख रहे हो आप, ये ऐसा स्लाइटली है हल्का सा, वो इस पे लग के ऊपर स्ट्रेट लग जाता है और अंदर किसी भी शाफ्ट वो किसी भी आपकी जैसे ट्रॉली का हब हो गया, बुग्गी का हब हो गया, कोई भी व्हीकल है उसके हब में ये ऐसे लग जाता है एंड चलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कंपनी कौन सी कंपनी बेस्ट है। तो आपके बजट के अकॉर्डिंग, अगर आपका बजट लो है और आपको ठीक चाहिए, चलने लायक चाहिए, तो सबसे पहले होता है आपका HCH, उसमें भी लोकल्स आते हैं, ओरिजिनल में आप चेक करोगे अपना आप, आपको पहचान उसकी होती है ओरिजिनल की HCH की, कि आप उसमें देखना, उसमें आपको प्रिंट में, पहले तो प्रिंट में और दूसरी चीज़ बैरिंग में, दोनों में आपको ना जो लोकल बैरिंग होगा उसमें हल्का प्रिंट होगा और जो ओरिजिनल बैरिंग होगा उसमें डार्क प्रिंट, गाढ़ा प्रिंट होगा बैरिंग पे ही, उसके न्यूमेरिकल्स पे। अब बात करते हैं थोड़े से अपर, उससे ऊपर होता है आपका ABN होता है, उससे ऊपर होता है आपका सबसे बेस्ट जो होता है आपका SKF, SKF के सबसे बेस्ट और जेन्युइन बैरिंग्स मानी गई हैं, जैसा कि और हाँ एक होता है आपका ARB, HCH और ARB बराबर होता है उनकी क्वालिटी। अब ARB और HCH से ऊपर और SKF से नीचे होता है आपका NBC, वो भी बेस्ट बैरिंग माना गया है, बजट में है, बहुत जेन्युइन बैरिंग होता है, लेकिन सबसे बेस्ट SKF को माना गया है। होने को और भी बहुत बैरिंग है लेकिन जो मार्केट में चल रहे हैं वो यही बैरिंग है। बॉल बैरिंग्स में आपका होता है 62 जो लगते हैं साइज, 62 से स्टार्ट होता है, 62/1, 63/1 ऐसे जो लगता है, जैसे आपकी बाइक्स में लगता है टायरों में 63/1, आपकी मोटर्स में लगती हैं जो घर में होती है 62/2, 62/3, 62/1 उसी के अकॉर्डिंग उनकी शाफ्ट के साइज को जाना जाता है। ऐसे ही आपका इन में होता है 30/20/9, इसमें 30 से चालू होता है, 20 से चालू होता है, 30/20/211, 30/20/9 ऐसे होता है, 30/229 वो जो कि ट्रैक्टर्स में आपका बग्गियों में ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और मैं आपको मेनली बताता हूँ, और जो जैसे आप मार्केट जाते हो तो आपको लेस कैसे पता पड़ेगा कि किस पे कितना लेस मिलेगा, आपको कितना रेट डाउन दे रहा है, अच्छा दे रहा है, तो अगर आप SCH का लोगे बैरिंग तो SCH पे कोई लेस नहीं आता, वो दुकानदार अपने हिसाब से बिकता है, जो उसकी परचेज में अपना कमीशन या फिर अपना मार्जिन जोड़कर
लेकिन जो आपका SKF का होता है, NBC का होता है, उनमें लेस किया जाता है क्योंकि उनकी रेट लिस्ट होती है। जैसे आपका SKF का है तो SKF पे आपको मेरे अकॉर्डिंग कोई भी दुकानदार 25-30% लेस करके देता है उसमें। और आपका जो होता है NBC, उसमें आपका 30-35% लेस करके देता है अकॉर्डिंग टू डेट। अगर वो पुरानी डेट का है तो उसमें शायद और लेस कम करे। अगर उसने पिछला डेट के रेट में आपका जो आपका अपडेटेड रेट है वो जोड़ दिया है, पिछले मान लो 2018 का बैरिंग है, 2023 चल रही है, तो उसने आज का रेट उस बैरिंग में मार कर से लिख दिया है, तो वो आज का ही लेस करेगा। लेकिन अगर उस पर पिछला रेट लिखा हुआ है तो वो कम लेस करेगा, क्योंकि उस टाइम परचेज उस टाइम परचेज में फ़र्क है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं, आपको बताएंगे ग्रीस के बारे में, ग्रीस कहाँ यूज़ की जाती है, कैसे क्वालिटी ग्रीस की चेक करें, और कौन सी ग्रीस बेस्ट है, कौन सी ग्रीस लॉन्ग रन के लिए बेस्ट है, कौन सी कहाँ एप्लीकेबल होती है, किस प्राइस में आती है, कौन सी कंपनी बेस्ट है। ठीक है, बाय।